आज हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे 3D शेप्स की बात कर रहे होंगे, बिकॉज तो सबसे पहले जो हम 2D शेप की बात कर रहे हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनका देखो इनका क्या होता है, इनका पेरीमीटर होता है और एरिया होता है। और ये हम अलग ही चैप्टर में डील करते हैं, मेजरेशन चैप्टर के अंदर। पेरीमीटर जो इसकी लेंथ होती है बाउंड्री की, और एरिया जो ये बीच का एरिया होता है ये वाला। लेकिन अभी हम यहाँ पे 3D शेप्स की बात कर रहे होंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हमारी क्यूब है, जैसे ये हमारी क्यूब है, जैसे ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, जैसे हमारा क्यूबॉइड हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल लें तो जैसे ये हमारा पिरामिड हो गया, दिख रहा है पिरामिड, ऐसे कि हमारा कोन हो गया, जैसे कि हमारा सिलेंडर हो गया, हमारा स्फेयर हो गया, और जैसा ऐसी शेप्स की हम लोग बात कर रहे होंगे। 3D शेप्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, उसके सारे, जैसे यहाँ पे बाउंड्री का एरिया था, इसके सारे फेसेस का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना। जैसे कि अगर ये बुक हमारी क्यूबॉइड है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और नीचे वाला, ठीक है, उस तरीके से। बहुत बढ़िया, सरफेस एरिया आपको समझ में आया क्या होता है ना। बहुत अच्छा, उसके लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज देखो जो क्यूब है उसका जो हर फेस है ये क्या है, स्क्वायर होता है, तो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना आना चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे इस चैप्टर को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। देखो एक स्क्वायर का, तो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला, ये स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ ए है, तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए। हमारा जो रेक्टेंगल होगा, यहाँ पे लेंथ एल है, यहाँ पे बी है, तो क्या होगा इसका, एल इंटू बी। हमारा ट्राइंगल, ये देखो ये जो हाइट है ये एच दे रखी है, ये जो बेस है ये बी दे रखा है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है इसका एरिया। बहुत बढ़िया, सर्कल, सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल ये इसका रेडियस आर दे रखा है, तो इधर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पाई क्या ले सकते हैं हम, 22/7 या फिर 3.14 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। पाई, हमारी पाई की वैल्यू नहीं होती 22/7 या 3.14, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। असल में जो पाई की डेफिनेशन है, जो असल में पाई, भाई पाई होता क्या, असल में पाई के जो डेफिनेशन देखोगे ना, पाई कोई भी सर्कल लो और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस, उसको उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो जो निकल के आएगी ना वैल्यू किसी भी सर्कल के लिए, वो क्या होगी, उसकी वो पाई की वैल्यू होगी। और ये ऐसा नंबर है जो कभी इवैल्यूएट नहीं कर सकते हम, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है उसका, इरेशनल नंबर कहते हैं, आगे आएगा आपके कोर्स में, तो इसलिए हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7 या फिर 3.14, करीब करीब पर। ओके, यहाँ तक हम समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम, कि भाई वॉल्यूम क्या। अब जैसे कि एक बड़ी सी क्यूब लेते हैं, जैसे रूबिक्स क्यूब होती है हमारी, वैसे एक क्यूब लेते हैं हम लोग, तो बेसिकली वॉल्यूम जो होती है ना हमारी, वॉल्यूम होता है कि वो कितना, जैसे उसके अंदर फॉर एग्जांपल पानी कितना आ जाएगा या उसके अंदर गैस कितनी आ जाएगी। मतलब कि हमारा सरफेस एरिया क्या था, ये बाहर का एरिया, और वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर कितना कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ये पेन का कैप है, ये पेन का कैप का सर्फेस एरिया क्या होगा, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होगी, जो अंदर है वो, ये अंदर कितना आ सकता है वो, राइट। आगे देखो, अब जैसे ये क्यूब है, अब देखो रूबिक्स क्यूब बनाते हैं, तो देखो एक रूबिक्स क्यूब में इमेजिन करना है, रूबिक्स क्यूब देखिए सबने, मैंने देखी होगी, तो आप इमेजिन करोगे तो उसके अंदर कितनी क्यूब्स होती हैं। एक बार ये देखो, ये पहली लेयर को देखो, पहली लेयर दिख रही है यहाँ पे, पहली लेयर ऊपर वाली लेयर दिख रही है, तो देखो देखो इमेजिन करते हैं कि पहली लेयर में कितने क्यूब्स होंगे। ये देखो ये दिखी पहली क्यूब कोने वाली, तो वैसे ये वाला फिगर, इसके अंदर देखो ये दिखी पहली, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी 9 इसमें भी होंगी और 9 इसमें भी होंगी, तो टोटल कितने, 27 क्यूब्स। तो ये क्या हो गया इसका, 27 का वॉल्यूम हो गया, अगर एक क्यूब की साइड लेंथ 1 है, सॉरी, ओके। तो आप ऐसे क्यूब्स काउंट कर सकते हो, किसी का भी वॉल्यूम निकालने के लिए। अब जैसे आपको ये फिगर दे दी, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, आपको ये फिगर दे दी, जैसे इसमें ये यहाँ पे
देखो ये देखो, देखा क्या क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब एल शेप का है, उधर पीछे की साइड पड़ा है, पीछे की साइड तक भी पड़ा है। तो अब बताओ इसकी कितनी वॉल्यूम होगी, काउंट करो। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है राइट, तो इसका वॉल्यूम होगा 7। आगे देखते हैं, अब जैसे कि आपको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा, उस तरीके से निकालेंगे। देखो एक लेयर में निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक लेयर में। अब कितनी लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 into 6 54, 54 आ गया। अब जनरल शेप की बात कर रहे हैं, अब डायरेक्ट हम आंसर निकाल रहे हैं। देखो सर उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, सर्फेस एरिया हमने बात करी थी ना, सर्फेस एरिया उसके दो टाइप होते हैं, TSA और CSA। CSA को LSA भी बोलते हैं। देखो TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जैसे क्यूब है तो क्यूब का सारा सरफेस एरिया ऑब्वियसली, लेकिन CSA और LSA इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व इसको बोलते हैं लैटरल, एल है ठीक है। सेम चीज़ होती है, इसका क्या मतलब होता है कि आगे क्यूब है तो क्यूब का ऊपर का रूफ और नीचे का बेस हटा दो एरिया, मतलब सिर्फ चार वॉल्स का एरिया ठीक है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का सिर्फ ये वाला एरिया, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं निकालना, तो ये हो गया उसका CS। तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला हम क्यूब की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं TSA, यहाँ पे हम लिखेंगे CSA और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम। देखो क्यूब कैसे दिखते हैं भाई, ऐसी साइड लेंथ कितनी होती है, ए, सबकी ए होती है। देखो TSA कितना हो जाएगा, देखो ये एक एरिया, एक एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो और कितने फेस होते हैं, 1 2 3 पीछे वाला और 4 ये वाला, 5 ये वाला, 6 नीचे वाला, तो कितना होगा, 6A²। और CSA कितना होगा, सिर्फ चार दीवारों को लेना है, इधर 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 इधर, कौन बताएगा? और इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का एक जनरल जनरल फार्मूला आपको बताता हूँ। वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस मतलब एरिया ऑफ बेस। देखो बहुत इजी निकलेगा, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा एक क्यूब के अंदर, ए स्क्वायर, नीचे का बेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, और हाइट कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 यानी कि ए क्यूब आ गया। अगला चलते हैं, अगला क्या है हमारा, क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड कैसे दिखता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है और ऐसा दिखता है। देखो ये क्या है इसकी लेंथ, ये क्या है इसकी ब्रेथ, और ये क्या है इसकी हाइट। तो देखो इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा, ये 6 फीसिस का एरिया ऐड करके, तो देखो ये वाला एरिया कितना होगा, बी इंटू एच बोल सकता हूँ मैं, बी और ये कितना है, एच, बी एच राइट। और ऐसा ही एक एरिया पीछे की साइड भी होगा, जो इधर है वो भी उधर की साइड भी होगा, तो कितना हो जाएगा, 2BH। अच्छा प्लस ये वाला एरिया कितना होगा, एल एच, एल एच, और ऐसा एरिया पीछे की साइड इधर भी होगा, तो कितना हो जाएगा, 2LH। प्लस देखो ये ऊपर वाले एरिया कितना होगा, ये बी है और ये एल है, ये बी है, ये एल है, और नीचे भी वही सेम एरिया, तो कितना हो जाएगा, 2LB। देखो 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया TSA का। देखो अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, ये वाला और ये वाला हट जाएगा ना, ये LB वाले जो थे, दोनों LB वाले ये हट जाएंगे, तो बाकी आगे ये हमारा हो गया। अब देखो वॉल्यूम क्या होगी, सिंपली बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया क्या, देखो एल और बी, एल बी और हाइट क्या, एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी डायरेक्टली LBH, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सिंपल। आगे बात करेंगे, एक बार चेक कर लेते कौन कौन सी शेप्स के बारे में जानना है, सिलेंडर है, अभी हम सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर का देखो डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे आपको रेडियस दिया होगा आर, यहाँ पे यहाँ का भी वही रेडियस होगा आर, और जो हाइट होगी ये दे रखी होगी आपको एच,
उसके अंदर हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम TSA की बात करेंगे। देखो अब इसका TSA निकालेंगे तो देखो ध्यान देंगे, एक तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा जो गोल गोल एरिया है। एक इमेजिन करो, जैसे एक इमेजिन करो जैसे ये है ना, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट h है और ये इसका रेडियस है r। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये गोल गोल का एरिया निकालना है ना। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, खच 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 यहाँ काटता हूँ, मेरे खुल जाएगा। अब मतलब जो ये गोल गोल था ये पूरे पेज का एरिया बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि ये याद करो, ये आधा आर था ना, आधा आर था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2r, और ये कितना था h h। तो ध्यान दो, अच्छा दिक्कत होगी गलती ना गलती, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ पूरी जो ये गोल सर्कल की सर्कमफ्रेंस थी, ये जो गोल सर्कल की सर्कमफ्रेंस थी ये पूरी ये लेंथ बन गई है ना। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे लेंथ बन गई, और ये h तो यहाँ पे था, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 2πr h, 2πr h, तो 2πr h हो गया। बहुत बढ़िया। अब भैया ये भी तो जोड़ना है, ऊपर के सर्कल और नीचे का सर्कल, तो ऊपर का एक सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² है ना। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है ना भाई, तो इसको कर दो ऐड, एक सर्कल का ऊपर एक सर्कल का नीचे, ठीक है। क्या बन जाएगा 2πr h प्लस πr² प्लस πr² है ना। इसको आपको याद करना है भैया, हमें तो याद करना है, तो पाई और आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, और देखो पाई आर प्लस पाई आर क्या हो जाएगा 2πr, 2πr² 2πr² हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। देखो 2 भी कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ गया, देखो क्या आ गया h प्लस आर, क्या आपका फॉर्मूला बन गया बेसिकली 2πr h + r। आगे अब CSA की बात करें, तो CSA तो हमने पहले निकाल दिया ना भाई, जो ये एरिया है ये तो हमने पहले निकाल दिया 2πr h डायरेक्ट 2πr h। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या बताया था कि बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया कितना है πr² और हाइट कितनी है h, तो वॉल्यूम कितनी होगी πr² h। चैप्टर खत्म।